नमस्कार किसान साथियों, आज तारीख है 25 अगस्त 2022 और मैं आपको ये सोयाबीन की वैरायटी दिखा रहा हूँ जो कि 2070 से थोड़ी सी लेट वैरायटी है, RVS करके कुछ है। मैं इसकी पूरी डिटेल आपको बाद में बताऊँगा, लेकिन ख़ास बात यह है कि लेट वैरायटी है तो इसमें अभी फलियों में दाना नहीं भरा है। आप देख सकते हैं अभी दाना इतना बोल्डर नहीं हुआ है, 60 दिन से ऊपर होने वाली है फसल, ये 62-63 दिन की हो गई है। और अभी इस स्टेज में ख़ास चीज़ ये देखिए आप कि इसमें स्टेम फ्लाई कितनी ज़्यादा आ चुकी है। मैं आपको दिखाता हूँ मक्खी स्टेम फ्लाई की, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं जो काली काली छोटी सी मक्खियाँ हैं, ये स्टेम फ्लाई है। अभी अंडे दे रही इसमें, इसलिए स्टेम फ्लाई का अटैक हो जाएगा। एक तो यहाँ पर है, फिर आपको बताता हूँ, देखो मतलब इतनी ज़्यादा तादाद में अभी अभी से दिख रही, एक ही रही। अब ये अंडे देगी तो सोच लीजिए आप, जब तक ये वैरायटी पकेगी तब तक इसके क्या हाल होंगे। इसमें इमीडिएट स्प्रे की ज़रूरत है, एक ही यहाँ पर है, ये आपको दिख रही होगी बिल्कुल छोटी सी मक्खी, यही स्टेम फ्लाई की मक्खी होती है और इसी की वजह से 2 साल पहले इतना भयंकर अटैक हुआ था। एक ही यहाँ पर देखिए, खासकर लेट वेराइटीज़ में तो स्टेम फ्लाई आखिरी आखिरी स्टेज में आती है, इसलिए इससे बचना बहुत ज़रूरी है। आप स्प्रे में थायमेथॉक्साम या कोराजन का टेक्निकल यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं तो यही बोलूँगा कि साथ में कुछ और भी क्रॉस करके ही उड़ाएं, क्योंकि इसमें टाइम लगता है कंट्रोल होने में। अब देख लीजिए कितनी ज़्यादा तादाद में है, लगभग लगभग हर 5वें से 6ठे पौधे पर ये स्टेम फ्लाई अपना दिख रही है, मतलब ये डेफिनेटली अब अंडे देने ही वाली है। ये देखिए यहाँ पर एक ही रही, बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति होने वाली है इसकी अगर इसमें स्प्रे नहीं किया गया अभी। तो मैं सभी आप सभी से यही कहूँगा कि आप जल्द से जल्द इसमें स्प्रे करें। धन्यवाद।